डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम सब ने अंग्रेजी कहावत तो सुनी है, लेकिन फिर भी ये चीज हमें जाने अनजाने में एक दूसरे को जज करने से नहीं रोकती है। जैसे कि अक्सर लोग एक दूसरे की शारीरिक बनावट के आधार पर बहुत सारी राय बना देते हैं, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि कई स्टडीज भी इस ओर इशारा करती हैं कि आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। लेकिन अब हर किसी को तो चेहरा पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए आज हम कुछ ऐसे टिप्स लेकर हाजिर हैं जिनके जरिए आप आसानी से सामने वाले के बारे में पता लगा सकते हैं। आज की बारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आईज, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है आंखें। इंसान की आंखें उसके व्यक्तित्व के बारे में कई रोचक बातें बताती है दोस्तों। जी हाँ, किसी इंसान के हाव भाव और स्वभाव के बारे में उसकी आंखों का रंग कई राज खोलता है। जो हम सोचते हैं और समझते हैं उसे बिना बोले समझाए और लिखे हम अपनी आंखों से बयां कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि इंसान की आंखों का रंग उसके व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपकी आंखें गहरी काली या भूरे रंग की हैं, तो आप बॉर्न लीडर हैं। आपकी ये क्वालिटी आपको बहुत कॉन्फिडेंट और दूसरे लोगों से अलग बनाती है। लोग आप पर आत्मविश्वास रखते हैं और आप पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि आप दयालु व्यक्तित्व के हैं और सबकी मदद करना पसंद करते हैं। वहीं अगर आपकी आंखों का रंग हल्का या मीडियम भूरा है, तो आप केयरिंग स्वभाव के हैं। आपका सौम्य स्वभाव आपको जल्दी दोस्त बनाने में मदद करता है। लेकिन आपकी कमजोरी ये है कि आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी गंभीर परेशानियां दरकिनार कर देते हैं। वहीं जिन लोगों की आंखें हेजल रंग की होती है, वो बहुत सकारात्मक स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन रूटीन लाइफ फॉलो करना इन्हें ना पसंद है। इन लोगों की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर स्टडीज की माने तो लोगों को भूरी आंखों वाले लोग नीली आंखों वाले लोगों से ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं। फेस शेप, दोस्तों जैसा कि अक्सर लोग मानते हैं कि किसी इंसान की हथेली की रेखाओं को देखकर उसके जीवन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, वैसे ही किसी इंसान के चेहरे का शेप देखकर भी उससे जुड़ी कई बातें पता की जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने फेस शेप से जुड़ी कई स्टडीज की हैं और कई फैक्ट सामने रखे हैं। जैसे जिस भी व्यक्ति के चेहरे चौड़े होते हैं और जिनके चीक बोन ज्यादा चौड़े होते हैं, वो लाइफ में ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और ज्यादा स्ट्रांग भी दिखते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा सच भी होता है, क्योंकि चेहरे के ऐसे फीचर्स ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मस्कुलैरिटी और स्ट्रेंथ। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि ओवल शेप के चेहरे वाले लोगों का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है और उनका स्वभाव भी काफी संतुलित रहता है। वहीं अगर लंबे चेहरे वाले लोगों की बात की जाए तो उन्हें अनुशासित जीवन जीना पसंद होता है और इनका व्यवहार अहंकारी हो जाता है। और अगर आपका फेस शेप राउंड है, तो स्टडीज ये बताती हैं कि राउंड फेस शेप के लोग काफी सेंसिटिव होते हैं और इसी कारण इनका जीवन काफी बैलेंस्ड और खुशी से भरा होता है। वहीं अगर किसी का चेहरा ट्राइंगल शेप का हो, तो ऐसे लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन ये थोड़े गुस्सैल मिजाज के भी होते हैं। और अगर किसी का चेहरा चौकोर हो, तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। ये अपनी बौद्धिकता और निर्णय क्षमता से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर लेते हैं। वैसे आपके चेहरे का क्या शेप है दोस्तों? क्या आपके फेस शेप के लिए कही गई बातें आप पर लागू होती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नोज, नाक हर शेप और साइज में आती है दोस्तों, और ये हमारे चेहरे के सबसे डोमिनेंट फीचर्स में से एक होता है। लेकिन नाक सिर्फ हमारे चेहरे को सुंदर ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे ट्रेट्स के बारे में भी जानकारी देती है। जी हाँ दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने 1700 लोगों पर स्टडी की, तो पाया कि बड़ी नाक वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस काफी ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं छोटी नाक वालों के एम्बिशंस भी कम होते हैं। वहीं स्टडीज में ये बात भी सामने आई कि अगर इंसान की नाक की टिप बड़ी और गोल हो, तो वो फाइनेंस के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ता है, और अगर किसी इंसान की नाक नुकीली हो, तो वो पैसे के मोह माया से ऊपर होता है। आपको क्या लगता है, क्या नाक की शेप सच में किसी एम्बिशन के बारे में बता सकती है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हाइट, नाक की तरह एक इंसान की हाइट भी उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत चीजें बयां करती है। हम सब ये तो जानते हैं कि हाइट ज्यादा होने का मतलब है ग्रोथ हार्मोन लेवल ज्यादा होना, और एक ग्रोथ हार्मोन कई बीमारियों से इंसान को प्रोटेक्शन देता है। बता दें कि कम हाइट वाले लोगों की तुलना में लंबे हाइट वाले लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। लेकिन अगर आपकी हाइट कम हो, तो निराश मत होइए, क्योंकि स्टडीज के मुताबिक कम हाइट वाले लोगों को लंबे हाइट वालों की तुलना में कैंसर की बीमारी का शिकार होने का खतरा कम होता है। इसके अलावा भी साल 2013 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि लंबे हाइट वाले लोग बेहतर लीडर्स के तौर पर देखे जाते हैं। रिंकल्स नाम सुनते ही हमारे जहन में एजिंग और बुढ़ापे जैसी चीजें आती हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एज के साथ साथ रिंकल्स एक इंसान के कैरेक्टर के बारे में भी कई चीजें बताते हैं?
उदाहरण के तौर पर, अगर रिंकल्स किसी इंसान के मुंह और आंख के पास है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है। साथ ही इस जगह पर अगर किसी इंसान के रिंकल्स हैं तो इससे भी प्रतीत होता है कि वो इंसान बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और खुश मिजाज होता है। वहीं अगर रिंकल्स किसी इंसान के माथे आईब्रोज के बीच में, तो वो इंसान काफी सीरियस टाइप का होता है और हमेशा काफी तनाव में रहता है। पॉस्चर। हम सब ये बातें तो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पॉस्चर उसके फिजिकल हेल्थ और पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का पॉस्चर अच्छा है, यानी वो हमेशा सीना तान के, पीठ सीधी और ऊंची गर्दन के साथ उठता बैठता है, तो चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, लोग उसे कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और फ्रेंडली समझेंगे। और वहीं अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो लेकिन उसका पॉस्चर सही नहीं है, यानी अगर उसके कंधे या पीठ झुके हुए रहते हैं, तो लोग अक्सर उन्हें इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट समझेंगे। शायद किसी ने सच ही कहा है कि इंसान का पॉस्चर किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को बदल कर रख सकता है। शूज। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी में एक अध्ययन में पाया गया कि लोग आपके शूज की हील्स को देखकर आपके व्यक्तित्व के लगभग 90% हिस्सा बता सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 200 लोगों के सबसे ज्यादा पहने हुए जूते को देखकर करीब 63 लोग उनके जेंडर, एज, सोशल स्टेटस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स का अनुमान लगाने में सक्षम थे। एक्सपेरिमेंट में ये बात भी सामने आई कि ज्यादा एग्रेसिव टाइप के लोगों ने एंकल बूट्स पहने थे, वहाँ शांत व्यक्तित्व वाले लोगों ने कंफर्टेबल दिखने वाले शूज पहने थे। तो आप अगली बार शूज लेने जाएं तो इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि आपके शूज आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि हमारा अपीयरेंस हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान का नेचर और स्किल्स ही लंबे समय में उसके काम आते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको काफी इंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।